हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशल बिगनर्स के लिए है, तो ये बिगनर्स जरूर देखें। जैसे कि विंटर सीजन में हमें गर्म सूट स्टिच करने के लिए आते हैं, तो उनकी स्टिच कटिंग हम कैसे करेंगे, तो ये आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कौन सा पार्ट आपने कहाँ से निकालना है। तो ये देखिए, ये गर्म सूट मेरे पास आया हुआ है और इसमें जो शर्ट के फ्रंट में है एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, ठीक है, और इसकी लेंथ भी काफ़ी है, जितनी मुझे चाहिए उससे काफ़ी लेंथ है। तो इसकी हमने लेंथ कैसे कम करेंगे और इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे बिगनर हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है ये वीडियो, ठीक है, तो ध्यान से देखें और किसी भी पार्ट को स्किप मत करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी कौन सा पार्ट हमने कहाँ से निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सूट है, ठीक है, इसकी सबसे पहले हमने लेंथ देखनी है कि लेंथ हमारी कितनी है, जो मेजरमेंट है आप उस हिसाब से इसकी कटिंग मतलब जो मार्किंग है वो करेंगे। तो इसमें मेरी लेंथ है 37 इंच की, ठीक है, तो 37 इंच पर मैंने यहाँ पे मार्क लगाना है। तो ये देखिए 37 इंच की लेंथ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये देखिए ये नेक है, ठीक है, नेक भी काफ़ी बड़ा है, 7.5 इंच है, तो मुझे 6.5 इंच चाहिए। तो यहाँ पे नेक की जो एम्ब्रॉयडरी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेके हमने 37 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। तो ये टोटल जो इसकी लेंथ है 44.5 इंच है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें चाहिए 37 इंच की। अब क्या करेंगे हम, ये जो बॉर्डर है इसको हम निकाल देंगे, कटिंग करके इसको निकाल देंगे, और बिल्कुल साथ साथ में ही कटिंग नहीं करनी है, आधा आधा इंच या 1-1 इंच आप एक्स्ट्रा लेकर के कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मतलब गर्म सूट है, इसमें धागे काफ़ी निकलते हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ही मार्जिन लेके इसकी कटिंग करें, ठीक है। अब हमने 37 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से लेके इस तरीके से हमने पूरा 37 इंच नाप करके और पूरी इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है, जितनी हमें शर्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए निशान लगा लिया है, अब बॉर्डर में मैं कटिंग कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने निशान लगा दिया और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, ऊपर आधा इंच ऊपर जाएगा गले में, जब हम स्टिचिंग करेंगे आधा इंच ऊपर जाएगा, और 1 इंच हमने नीचे के लिए रखा है, मतलब टोटल हमने 38.5 इंच इसकी लेंथ रखी है, ठीक है, और नीचे 1 इंच फोल्ड हो जाएगा, ऊपर आधा इंच चला जाएगा, तो इसकी 37 इंच लेंथ तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसका जो बॉर्डर है वो कटिंग कर देनी है, तो 1-1 इंच मार्जिन लेकर के मैंने इसकी कटिंग करी है, ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, तो ये मेरी कटिंग कर दी है बॉर्डर की, ठीक है। अगर आपकी लेंथ फुल है, जैसे 44 इंच है, तो आप रख सकते हैं पूरी, इसको कटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो आप पूरी ही लेंथ रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कम है 40 की है, फिर भी आपको बॉर्डर कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरी 37 इंच की लेंथ थी, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा कट करना पड़ा है। ये जो बीच में से पट्टी मैंने निकाली है वो बिल्कुल बेकार है, उसको हम फेंक देंगे, ठीक है। अब इसका हमने हाफ इस तरीके से करते हुए जो साइड में हमारी हमारी जो शर्ट है ना, उसको हम निकाल लेंगे, ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो, ठीक है। साइड से हम इस तरीके से ये निकाल लिया, जो साइड वाला पीस है वो हमारा नेक वगैरह के काम में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो नेक में हम फोल्ड करते हैं ना कपड़ा, उसके काम आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सेंटर बनाना है, और जो एम्ब्रॉयडरी है गले की उसको हमने इस तरीके से मैच करके रखना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से मैच करके रखेंगे, ताकि गला आपका जो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, तो अच्छे से आप इस तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसकी मार्किंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कपड़ा बड़ा है नीचे वाली साइड से, जैसे मैंने सेट कर लिया है, सेट करने के बाद कुछ बहुत कपड़ा थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है, तो उस हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो अब मार्किंग आप अपने हिसाब से कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। जो तीरा लिया है मैंने 6.5 इंच लिया है, आर्म होल 7 इंच लिया है, चेस्ट मैंने ली है 19 इंच की, और कमर मैंने ली है यहाँ पे 8 इंच की, मतलब 16 इंच, ठीक है, हाफ मैंने 8 इंच लिया है, और हिप की जो दूरी है वो मैंने ली है 22 इंच की, तीरे से हिप तक की दूरी 22 इंच की है, और हिप मैंने ली है 20 इंच की, ठीक है, और घेरा भी मैंने 20 इंच ही लिया है। तो इस तरीके से मैंने
इसकी मार्किंग कर दी है। अब हमने एक्स्ट्रा चाक की तरफ से हमने 1.5 इंच ज़्यादा लेना है क्योंकि पाइपिंग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 1.5 इंच 2 इंच आप ले सकते हैं जब पाइपिंग लगानी है, अगर पाइपिंग नहीं लगानी है तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं, और जो चेस्ट वाली साइड से आप 2-2 इंच ज़्यादा ले लें। सॉरी मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा। तो चेस्ट वाली साइड से आपने 2-2 इंच ज़्यादा लेना है, और जो घेरे वाली साइड है वहाँ पे आप 1.5 इंच ज़्यादा ले लें, ठीक है। अगर मतलब बिगनर्स हैं तो, क्योंकि कपड़ा मैं जैसे बता रही हूँ कि कम ज़्यादा हो जाता है, धागे वगैरह निकल जाते हैं, तो फिर बाद में हमें सेट करना पड़ता है, तो इसलिए कटिंग हो भी जाएगी ज़्यादा, मतलब आ भी जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम कट करके साइड मतलब निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो जाती है, और ये जो बॉर्डर निकाला है हमने इसके ऊपर इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। तो पूरी लेंथ हमारी 37 इंच की आ जाएगी। अब हमने बैक पार्ट निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, और ये देखिए ये कपड़ा है हमारा, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ से हमने बैक पार्ट निकालना है और इसको हमने फोल्ड कर लेना है, ठीक है। जितना घेरा हमने लिया है, ये देखिए घेरा हमारा है 11 इंच का, सॉरी 12 इंच का घेरा है, तो यहाँ पे हमने 12 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। ये देखिए इससे क्या होता है कि हमारे जो सूट में कान होती है और जैसे साइड में घूम जाता है कपड़ा, तो ऐसे नहीं घूमता है, तो आपने इस तरफ 12 इंच निशान लगाया, और जितनी हमारी लेंथ है, लेंथ आप थोड़ी सी ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि हमने जो बॉर्डर था कट कर लिया था, बॉर्डर तो हमारा फिक्स नाप हमने लिया था। अब इसमें हमने जो बैक पार्ट है उसमें हमने 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेना है, क्योंकि बैक साइड में भी जो घेरा है वो फोल्ड होगा। तो इस तरीके से कपड़ा हमने लेते हुए, ज़्यादा लेते हुए इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद हमने जो हमने 12 इंच पे निशान लगाया था, ठीक है, जहाँ तक हमारी लेंथ है वहाँ भी हमने 12 इंच तक निशान लगाना है। तो उसके बाद इस तरीके से हमने कपड़े को सेट कर लेना है, इससे हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कपड़ा सीधा सेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं जो हमने फ्रंट साइड कटिंग करी थी वो मैं रख दूँगी इस तरीके से, और बैक पार्ट है ना जो, वो हमने नेक वाली साइड से, शोल्डर वाली साइड से 1/2 इंच ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि इसका मतलब ये है ज़्यादा लेने के लिए, क्योंकि जो गला हमारा पीछे को पीछे की तरफ चला जाता है वो नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरीके इसलिए हमने जो बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से हमने ज़्यादा ही लेना होता है, मतलब शोल्डर वाली तरफ से भी और घेरे वाली तरफ से भी, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि घेरा हमारा 2.5 इंच का अंदर की तरफ फोल्ड होगा, और जो तीरे वाली साइड है वहाँ पे हमारा 1/2 इंच मार्जिन सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की भी मार्किंग कर दी है, मतलब कमीज रख के बिल्कुल उसी तरीके से हमने कटिंग करनी है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हमने 2.5 इंच नीचे की तरफ बढ़ाना है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है, तो ये हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमने इसकी बाजू की कटिंग करनी है, और हमारी जो सलवार है वो रह गई है, और बाजू की कटिंग, ये जो साइड में कपड़ा है ना जो बैक पार्ट से हमने निकाला है, उसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये बाजू की कटिंग के लिए है कपड़ा, और ये सलवार के लिए, ठीक है। जो ये बचा कपड़ा है ये सलवार में हमने यूज़ करना है, इसकी सलवार निकालेंगे, ठीक है। तो सलवार की कटिंग भी मैं बताऊंगी, बड़ी आसानी से सलवार कटिंग करूंगी मैं, तो आप ज़रूर सीखिए उसको। तो ये देखिए ये कपड़ा है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो फ्रंट साइड की कटिंग करी थी ना, उस कपड़े को निकाल देंगे, क्योंकि वो कपड़ा काफ़ी मतलब चौड़ाई में थोड़ा है, वो जोड़ लगाने के लिए काम आ जाएगा बाजू में, लेकिन ये कपड़ा काफ़ी है मेरा चौड़ाई में, तो इसमें बाजू में जोड़ भी नहीं लगेगा, जो नीचे वाली साइड में लगता है, शोल्डर वाली साइड के नीचे बाजू में लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो जो डोला है वो मैंने लिया है 7 इंच का, ठीक है। और यहाँ पे जो मोरी है बाजू की, वो मैंने 4.25 इंच की ली है। अब इस तरीके से हमने इसको मिला देना है, और बाजू की जो डीप कटिंग थी वो मैंने 2.5 इंच पे करी थी ये वाली, ठीक है। अब हमने इसकी शेप दे दी, और इस तरीके से हमने 1.5 इंच जो कपड़ा है वो ज़्यादा ले लिया है, 1.5 या 2 इंच कपड़ा आप ज़्यादा ही ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी हमने कटिंग कर देनी है, और यहाँ पर हमने
गोलाई जो दी है वहाँ तक हम कटिंग कर देंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। वैसे तो मैं स्टिच करते समय ही कटिंग करती हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए ये फ्रंट साइड की भी कटिंग कर दूंगी जो बाजू की। तो दो पल्ले आपने लेने हैं, चारों पल्लों पे कटिंग मत करना, दो पल्ले उठा करके इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है। कई बार ये होता है कि मैं स्टिच करते समय क्यों करती हूँ, कई बार ये होता है कि जैसे हम कटिंग कर देते हैं तो जल्दबाजी में जो कटिंग किया हुआ हिस्सा है दूसरी साइड में लग जाता है, बैक साइड में लग जाता है, और इसलिए मैं पहले कटिंग नहीं करती हूँ, बाद में करती हूँ। तो इस बात का आपने ध्यान जरूर देना है जो आप पहले ही कटिंग कर लेंगे, ठीक है, जो फ्रंट साइड की बाजू की। तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि जो फ्रंट वाला साइड है वो बैक पार्ट में ना स्टिच हो जाए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे सलवार की कटिंग करनी है। तो सलवार का कपड़ा मैंने सेट कर लिया है इस तरीके से अच्छे से, और जो पोंचे हैं, पल्ले हैं पोंचे के, वो भी मैंने इस तरीके से मोड़ लिए हैं, ठीक है। ये देखिए सलवार की हमने मतलब सेटिंग कर दी है, फोल्ड कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। खुली वाली साइड के तरफ से मैंने इसको मतलब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो निकाल दिया है, वो इसको मैं कट करूँगी। तो यहाँ पे टोटल लेंथ मेरी है सलवार की 47 इंच तक की, ठीक है, 47 इंच होगी। तो इस तरीके से हमने 47 इंच हमने इस तरीके से नापते हुए कपड़े को पूरा सेट कर लेना है। अब हमने पोंचा जो रखा है वो रखा है 7 इंच का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो लेंथ है 32.5 इंच की ली है, और ये पोंचा मैंने रखा है 7 इंच का, और यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। और बेल्ट के लिए ऊपर वाली साइड में कपड़ा बचा है मेरा 8 इंच का, और जितनी बेल्ट मुझे चाहिए उतना ही कपड़ा मेरे पास बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आसन इसका लेना है 10 इंच। तो जो 1.5 इंच हमने मार्क किया था उससे हमने आसन को इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। अब हमने दूसरी साइड में जो एक कुंदा हमारा निकल गया है, दूसरी साइड में हमने कुंदे को कैसे निकालना है, हमारी जो बेल्ट थी 8 इंच की, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। अगर कपड़ा आपका ज़्यादा होता तो ज़्यादा भी ऊपर वाली साइड में बच सकता है, लेकिन मेरा कपड़ा पूरा पूरा है तो यहाँ पे मेरी जो बेल्ट है 8 इंच की पूरी पूरी निकली है। और बेल्ट को छोड़ते हुए हमने फिर से 32 इंच पे निशान लगाना है, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है जहाँ पे मैंने आपको बताया था इस तरीके से। तो 1.5 इंच को इस 1.5 इंच से ऐसे मतलब मिला देंगे हम, उस साइड भी हमने 1.5 इंच लेना है और इस साइड भी 1.5 इंच लिया हुआ है, और इसको हमने इस तरीके से मिला देना है। और ये जो आसन है यहाँ पे भी हमने 10 इंच आसन लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी मार्किंग हो जाती है, ठीक है। चार कुंदे हो गए और दो पोंचे हो गए, ठीक है, और ऊपर वाली साइड में हमारी बेल्ट हो गई, और साइड में जो कपड़ा बचेगा वो हमारा पोंचे में नीचे लगाने के काम में आ जाएगा। और इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है सलवार की। तो बहुत ही आसान तरीका है ये सलवार कटिंग करने का, खास करके बिगिनर्स के लिए। और ये पार्ट हमने कट नहीं करना है, इसको हम साथ में स्टिच कर देंगे जब हम सिलाई करेंगे। कट से कट को पकड़ के इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे, ठीक है, और इसको कट नहीं करना है। अगर जैसे मैचिंग सूट होते हैं ना, ऑल ओवर सूट होते हैं ना, उनमें ये जो कुंदे हैं और पोंचे हैं अलग अलग कटिंग होती है उनमें, उसकी भी कटिंग अलग से होती है, ठीक है, जो ऑल ओवर सूट होते हैं। ये मैचिंग सूट में इसी तरीके से मैं कटिंग करती हूँ सलवार की, ठीक है। तो ये हमारी सलवार और कुंदे और पोंचे कटिंग हो गए हैं। अब हमारी बेल्ट रह गई है। बेल्ट हमने ये देखिए बेल्ट पूरी पूरी निकली है मेरी 8 इंच की। तो यहाँ पे जो टोटल बेल्ट है मैंने 25 इंच की लेनी है, 24 इंच तैयार रहेगी मेरी बेल्ट, आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो 24 इंच की हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी, और ये जॉइंट वाला हिस्सा है इसको भी कट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए बेल्ट की भी कटिंग हो गई है, और ये बचा कपड़ा ये हमारा पोंचे के काम में आएगा, ठीक है। और ये जो साइड से शर्ट की साइड से बचा था ये इसमें गला वगैरह निकाल लेंगे, जैसे बैक साइड का गला कटिंग करेंगे, फ्रंट साइड का करेंगे, तो उसमें ये कपड़ा काम आ जाएगा। और ये हमारी हो गई सलवार, ये हो गई बेल्ट, और ये हो गई कुर्ती, और ये बाजू, और ये इसका बॉर्डर। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर।